लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई में कोरोना की रफ्तार रोकने जहां नवी मुंबई मनपा प्रयास कर रही है, वहीं सानपाड़ा प्रभाग उन्यासी के समर्पित युवा नेता पांडुरंग आमले भी नागरिकों की मदद के लिए आगे आ गए हैं। आज शाम उन्होंने सानपाड़ा की कई सोसाइटियों में फ्री सैनिटाइजेशन कराया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पांडुरंग आमले ने कहा कि जिस तरह कोविड संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है, नागरिक उपचार और औषधियों के लिए बेहाल हैं, ऐसे दौर में कोरोना को रोकना सबसे बड़ी जरूरत है। पांडुरंग आमले ने कहा कि आने वाले समय में प्रभाग उन्यासी के सभी प्रमुख ठिकानों और सोसाइटियों में सैनिटाइजेशन कराएंगे। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। संपूर्ण महाराष्ट्र त्याचप्रमाणे आपल्या नवी मुंबई मध्ये कोरोनाची दुसरी महाभयंकर लाट आता सध्या आलेली आहे आणि या लाटेमध्येच गेली महिना झालेला आहे आपल्याकडे लॉकडाऊन जाहीर केलेला आहे। लॉकडाऊनचं कडेकोट पालन करावे, बाहेर जाताना मास्कचा वापर करावे, सोशल डिस्टन्सिंगचा मेंटेन ठेवावे व तसंच जर गरज नसेल तर घराबाहेर पडू नये आणि जर आपण घरात असताना वेळोवेळी दर 10 मिनिटं 15 मिनिटं आपले हात स्वच्छ धुवावे आणि शक्यतो जर आपल्याला कुठे माहिती असेल तुमच्या बिल्डिंगमध्ये किंवा आसपास आपल्याकडे कोरोना पेशंट असतील तर त्यांना त्याची माहिती तुम्ही महानगरपालिकेमध्ये द्यावी। त्याचप्रमाणे 18 ते 40 वयोगटामध्ये लसीकरण चालवलेलं आहे तर त्या अशा लोकांनी आपलं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे। तसेच 85 वरती जे लसीकरण आता मागे झालं आणि आता सध्या चालू आहे यांचंही रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे व लवकर लवकर आपण सर्व कोरोनामुक्त व्हावे हीच आमची इच्छा। जाहिर है सैनिटाइजेशन के जरिए सानपाड़ा के इस प्रभाग में कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से जरूरी सावधानियां बरतने की भी अपील की है। फ्री सैनिटाइजेशन को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी बीजेपी युवा नेता पांडुरंग आमले की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।